खेती पर रोक लगाई गई। कैथल और कुरुक्षेत्र की किसान की भूमि 108,314 हेक्टेयर या 267,644 एकड़ है, जिसमें कैथल जिले की भूमि है 128,336 एकड़ और कुरुक्षेत्र जिले की भूमि है 139,308 एकड़। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी भूमि इस आदेश के अंदर यहाँ पर लिखी गई है एकड़ और हेक्टेयर वाइज। हेक्टेयर वाइज मैंने इसको केवल एकड़ में तब्दील कर दिया। 9 मई 2020 के खट्टर सरकार, भाजपा जजपा सरकार के इस तुगलकी तानाशाही षड्यंत्रकारी आदेश के मुताबिक अब 50% भूमि में किसान खेती नहीं कर पाएगा, यानी 267,644 एकड़ में से 133,822 एकड़ भूमि में कैथल और कुरुक्षेत्र का किसान धान की खेती नहीं कर सकता, ये प्रतिबंध है। और यही नहीं, इसमें खट्टर साहब ने सस्ती और उस धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। दुष्यंत चौटाला जी, ये तो अंग्रेज ने भी नहीं किया जो आप कर रहे हैं। मेरी जमीन, मैं मालिक, पर मैं क्या खेती कर पाऊंगा इसका निर्णय चंडीगढ़ में बैठकर माननीय मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला जी करेंगे। किसान नहीं कर सकता। आज आप ये निर्णय कर रहे हैं कि किसान किस अपने खेत में कौन सी फसल लगाएगा, कल आप ये निर्णय भी कर देंगे कि किसान कितने सांस लेगा, परसों ये कह देंगे कि वो रसोई में क्या खाएगा। इस देश में तानाशाही नहीं, प्रजातंत्र है। और एक नई शर्त और लगा दी, तीसरी शर्त ये है कि कैथल और कुरुक्षेत्र के 9 ब्लॉक्स में और प्रदेश में 26 ब्लॉक्स में पंचायती जमीन पर भी धान की खेती नहीं की जाएगी। कैथल के ये ब्लॉक्स हैं पुंडरी, सीवन और गूला। कुरुक्षेत्र के ये ब्लॉक हैं थानेसर, बबैन, शाहबाद, पेवा, पीपली, इस्माइलाबाद। इन 9 ब्लॉक्स में कुल पंचायती जमीन लगभग 14,000 हेक्टेयर है या 34,600 एकड़ है, तो इन 34,600 एकड़ में भी ये पाबंदी होगी, यानी 133,822 एकड़ किसान की जमीन और 34,600 एकड़ ये जमीन लगभग 2,25,000 एकड़ में कैथल और कुरुक्षेत्र जिले में धान की खेती पर भाजपा जजपा सरकार ने रोक लगा दी। ऐसा क्यों? और इससे आगे मैं अब आदरणीय अरोड़ा साहब से अनुरोध करूंगा कि भूजल संरक्षण का रास्ता क्या है, उसके बारे में आप चर्चा करेंगे, और फिर संक्षिप्त में धनतोड़ी साहब करेंगे और पहले क्या हुआ। और हमारे कांग्रेस पार्टी की ओर से 5 सवाल हैं, मैं अरोड़ा साहब से कहूंगा कि वो प्रश्न भी आपको बताए। जैसा कि अभी संदीप जी ने आपके बीच में बताया कि आपको सुधारने का काम आज की जजपा बीजेपी की सरकार कर रही है, लगातार इस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं। कोरोना में जहां पूरा देश राजनीति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, सभी जातियों से ऊपर उठकर देश के साथ सरकार के साथ खड़ा है, सभी लोग मुसीबत में थे। दूसरी चाहिए तो सरकारों को था कि लोगों की मदद करते, परंतु ये हरियाणा की पहली सरकार और पहला मुख्यमंत्री है जिसने ये कहा कि मैं लोगों को कुछ नहीं दे रहा, लोग मुझे दें।
हर किसान से 5-5 किलो गेहूं तक मांगने की बात भी की। अरब किसान को उजाड़ने पे तुले हुए हैं। ये जो तुगल की फैसले इन्होंने लिए इसका कांग्रेस विरोध करती है और इसके लिए मैं तो रणदीप जी बैठे हैं और पार्टी हाईकमान से कहूँगा कि हमें महामहिम से मिलना चाहिए, राज्यपाल जी से हम मिलेंगे, क्योंकि कुरुक्षेत्र और कैथल ये दो जिले नहीं है, एक ही जिला हुआ करता था। इस जिले के मेन जो हमारा खेती के अंदर है वो धान की फसल है। धान की फसल चाहे वो पंचायती जमीन पर लगे थे दूसरा लगाए, तो इस प्रकार से है। और जहाँ तक पानी चाहिए तो ये है कि पानी का स्तर ऊपर उठाया जाए। आप ये नहीं कि कोई आदमी मर रहा है उसको पानी ना दो उसको मार, चाहिए तो ये था कि पानी आए। और पानी के लिए हमारा जो मेन था दादूपुर दलवी नहर, दादूपुर दलवी नहर का निर्माण हो गया। वो बेसिकली जो स्कीम थी वो इसके लिए बनाई गई थी कि हमारा जो पानी नीचे जा रहा है और बरसात में जमुना का पानी बाहर है कि दिल्ली चला जाता है, उनमें से पानी लेकर इस नहर में डाल दिया जाए ताकि यहाँ पर जो पानी की समस्या पानी का वाटर लेवल है ऊपर हो जाए। परंतु इन्होंने उसको भी खत्म कर दिया। लोगों ने मुआवजा मानना मांगा, फिर कहने लगे मुआवजा नहीं देते हम तो नहर ही खत्म करते। मतलब तो हर तरफ से किसान को मारने पर ये लोग खुले हुए हैं। हम इनसे एक बात पूछना चाहते हैं कि हमें ये तो बता दो कि क्या कसूर कर रखा है कुरुक्षेत्र और कैथल जिले के किसानों ने जो उनको आप मारने के तुले हो। धान की बात कही अभी तो कह रहे थे संदीप जी कि ये कहते हैं कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे। पहले तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बहाना लेकर धान को लगातार जब से इनकी सरकार बनाई है नमी के नाम पर लूटा, धान घोटाला करा। अब ये कह रहे हैं पिछली बार मक्का दिया था हमने, अगर मक्का दिया तो जीरी कैसे ज़्यादा हो गई। तो ये पूरी तरह से सरकार लूटने पर लगी हुई है। बाकी जो निर्णय हाईकमान कांग्रेस के लेंगे, हम कुरुक्षेत्र और किसानों के साथ जिले के किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और कांग्रेस पार्टी हम महामहिम से मिलकर ये जो फैसला है इसको वापस करेंगे। आप सबको नमस्कार। जैसा कि आदरणीय बड़े भाई रणजीत सिंह सुरजेवाला जी और आदरणीय अशोक गोड़ा जी आपको विस्तार से बताया कि किस तरीके से एक तुगलक की फरमान माननीय खट्टा साहब ने जो पिछले लगभग 5.5 वर्षों से हरियाणा की जनता के साथ कर रहे, और एक बहुत बड़ा धोखा है हरियाणा की जनता के साथ। और वहीं हम कुरुक्षेत्र जिला से संबंध रखते हैं, शाहबाग मेरा क्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र और कैथल ये दोनों ऐसे ज़िले हैं जो धान पैदावार धान का कटोरा इस इलाके को कहा जाता है। और मैं आपके संज्ञान में बात लाना चाहता हूँ, 2017 में जब दादूपुर नलवी विचार नहर परियोजना को खट्टा सरकार ने डीनोटिफाइड कर दिया, वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने हमसे बात की और भाई साहब ने कहा कि हमें किसानों की लड़ाई लड़नी चाहिए, और हमने मिलकर शाहबाद में किसानों के लिए दादूपुर नलवी नहर को बचाने के लिए 51 दिन का धरना हमने क्रमिक अंचल वहाँ रखा। और उसी प्रवेश में बहुत बड़े बड़े धरने जुलूस और हमने वहाँ किए। उसके बाद देश के राष्ट्रपति जी से जाकर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और मैं इनकी अगुवाई में रणदीप सिंह जी की अगुवाई में हम जाकर उन्हें मिले, और रणदीप जी ने वहीं राष्ट्रपति जी को बताया कि उत्तरी हरियाणा की जीवन रेखा है दादूपुर नलवी नहर। अगर ये जीवन रेखा यहाँ समाप्त होती है तो इस इलाके का उत्तरी हरियाणा का जो किसान है अन्नदाता है वो बेरोजगार हो जाएगा, नेस्ता नबूत हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ना तो राष्ट्रपति जी ने बात को सुना और ना ही खट्टर साहब ने। और अब मैं समझता हूँ कि खट्टर साहब अब पछता रहे हैं। अरे भाई, एक तरफ तो आप खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि आप धान लगाना बंद किए और अब आपने तुगलक की फरमान लगाकर इस क्षेत्र के अंदर कुरुक्षेत्र और कैथल जिला में आपने जो है धान पर रोक लगा दिया धान लगाने पर, और वहीं आपने दादूपुर नलवी नहर को बंद कर दिया। या तो आप तब गलत थे या आप अब गलत हैं। तब आपने दादूपुर नलवी नहर को क्यों बंद किया? अगर पानी का अभाव नहीं था तो आपने दादूपुर नलवी नहर को क्यों बंद किया? अगर आप पानी की बात करते हैं कि वाटर की दिक्कत है, वाटर टेबल नीचे जा रहा है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए खट्टा साहब। तो रणदीप सिंह जी ने आपको बताया, रणदीप जी ने कि किस तरीके से, रणदीप जी
आपके साथ हमेशा से खड़ा हूं, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं और किसान की लड़ाई हम आने वाले समय में जब इस बीमारी से महामारी से यह हरियाणा की देश की जनता जल्द से जल्द निजात पाए ऐसे में प्रभु से कामना करता हूं और ये लड़ाई हम मिल करके लड़ेंगे और ऐसी महामारी में आप सब भी देश के कोने कोने से पत्रकार भाई आप सब लड़ाई लड़ रहे एक बहुत बड़ी बात है। और आज आदरणीय अरोड़ा साहब और आदरणीय रणजीत सिंह सुरजेवाला जी और मैं जो मुद्दे को लेकर आपके बीच में आए हैं ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर अन्नदाता ही नहीं बचा तो हम और आप कहाँ बचेंगे। आदरणीय रणजीत सिंह कोई प्रश्न आप पूछना चाहें सारे पेट्रोल डीजल के रेट लगातार पहले इस पे कर लेते हैं और उसके बाद पेट्रोल डीजल पर आ जाए करेंगे किसान की होगी पहले इस पे जो आप पूछना चाहें सरकार का फैसला था जिसके बाद किसानों को सीधा पेमेंट किया जाएगा कई एजेंसी ऐसी हैं किसानों को सीधा पेमेंट करने के लिए आड़ती का जब किसान को पैसा जाता है किसान को डायरेक्ट ना जा करके पहले के में अकाउंट बनाया हुआ एजेंसी का रेफर गाइड पहले उस खाते में जाता है फिर उस खाते से किसान को जाता है यानी कि एक बार आड़ती को देते हैं फिर अपने खाते में देते हैं और फिर किसान को देते हैं इस तरह की परेशानी आती है। आदरणीय मित्र किसान के साथ और आड़ती के साथ दोनों का किसान मजदूर आड़ती ये तीनों का गठजोड़ तोड़ने का षड्यंत्र भाजपा जजपा सरकार मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी लगातार कर रहे हैं। याद करिए पहला आदेश उन्होंने जारी किया था लगभग 27 मार्च को जिसे मैंने उजागर किया फिर 13 और 16 अप्रैल को फिर 21 अप्रैल को फिर 27 को लगभग 10 आदेश आज तक फसल खरीद के बारे खट्टर सरकार जारी कर चुकी है। लक्ष्य केवल एक है किसान की फसल की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ना हो और सरकार को वो पैसा ना देना पड़े। इसीलिए चालू भारत सरकार के बजट में 75,000 करोड़ की सब्सिडी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की काट दी गई। ये पैसा किस लिए था? ये पैसा गेहूं सरसों और धान की फसलों की खरीद के लिए था। इसीलिए खट्टर साहब बार बार जानबूझकर आदेश बदलते हैं। और एक बात बताएं आज 11 मई है 26 अप्रैल से 11 मई तक खरीदी गई गेहूं की पेमेंट रोकने का आदेश हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार ने क्यों दे रखा है? ये पैसा किसान और आड़ती को मिल क्यों नहीं रहा? दो दो एकड़ का औसत साइज हरियाणा में है जिस किसान ने 25 या 26 अप्रैल को गेहूं बेच दी उसको अगली फसल की बुआई की तैयारी करनी उसको लेबर को एडवांस पेमेंट करनी उसको खाद बीज चाहिए तो आज वो 15 और 16 दिन बीत जाने के बाद उसकी फसल की मेहनत का पैसा नहीं दे रहे वो अगली फसल की तैयारी कैसे करेगा? ये एक षड्यंत्र है जो किसान से दुश्मनी निकालने का है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की फसल ना खरीद करने का। सरकार ने पिछली बार भी कहा था मक्का उगाए लेकिन काफी किसानों को अब तक मक्का उगाने के बाद भी पेमेंट नहीं मिला। आदरणीय अशोक अरोड़ा जी ने इसका जवाब दिया मैं फिर दोहराता हूं पिछले साल श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जल ही जीवन है स्कीम निकालकर 7 ब्लॉक्स के अंदर धान की फसल की जगह मक्का की फसल लगाने का आह्वान किया और कहा 2,000 रुपया प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि 766 रुपया प्रति एकड़ बीमा प्रीमियम और मुफ्त में मक्का का हाइब्रिड बीज देंगे। और याद करिए आप ये भी आप बताया कि 1,37,000 एकड़ भूमि में धान से मक्का पैदा होना शुरू हो जाएगा। इस बार वो स्कीम कागज का पुलिंदा बनाकर कूड़ेदान में डाल दी। अब वो 7 ब्लॉकों की कोई चर्चा नहीं। जो सैकड़ों करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार इस स्कीम में हुआ उसकी कोई चर्चा नहीं। उस स्कीम का नाम बदलकर अब नया नाम रख दिया और वो नया नाम रख दिया मेरा पानी।
जल ही जीवन से मिली विरासत, और उसके अंदर अब 19 ब्लॉक्स नए डाल दिए, जिसमें कैथल और कुरुक्षेत्र की धरती पर 1,75,000 एकड़ पर धान लगाने पर रोक लगा दी। ये सरकार है या भ्रष्टाचार का अड्डा और किसान को से दुर्व्यवहार और निर्दयता की दुकान, इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए। और एक बात और बताइए, माफी चाहूंगा, अगर किसान का धंधा बंद हो गया, अगर हम यहाँ जीरी नहीं लगा पाए तो आढ़ती कहाँ जाएगा? और किसान और आढ़ती के पास अगर जीरी की फसल नहीं हुई तो राइस सेलर और चावल उद्योग कैथल और कुरुक्षेत्र का कैसे चलेगा? क्या इसका कोई जवाब खट्टर साहब के पास है? अरोड़ा साहब अब कुछ कहें। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका सवाल था, मुझे ने कहा कि 1,00,000 से ऊपर, 1,00,000 एकड़ से ऊपर इन्होंने मक्के का बीज भी दिया कागजों के अंदर, और कहा कि हमने बुआया 1,00,000 एकड़ में, अगर मक्का बोया गया तो इसका मतलब 1,00,000 एकड़ में जीरी कम हो गई, और जो जीरी आई वो पहले से कई गुना ज़्यादा आई, तो जो धान घोटाला था, धान घोटाले के साथ साथ मक्के में भी घोटाला किया गया, और वो बीज कहाँ गया, वो पैसे कहाँ गए, केवल और केवल किस प्रकार से पैसे खाए जाए, इसके नई से नई स्कीम मिला। और दोस्तों, इससे पहले का अगला सवाल नहीं, एक बात मेरा और कहना है, कैथल कुरुक्षेत्र करनाल ने सबसे ज़्यादा विधायक भाजपा जजपा को चुन कर दिए। आज जब यहाँ के किसान को उजाड़ा जा रहा है कैथल और कुरुक्षेत्र के, आड़ती का धंधा बंद करने की तैयारी है और चावल उद्योग पर तालाबंदी की तैयारी है, तो वो मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण भाजपा जजपा के कहाँ हैं? अगर वो कैथल और कुरुक्षेत्र के किसान के अधिकारों की, आड़ती के अधिकारों की, चावल उद्योग के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते, तो एक दिन भी उन्हें चुना हुआ प्रतिनिधि कहलाने का अधिकार नहीं रहा। इसका जवाब उनको भी इन दोनों जिलों के किसानों, आड़तियों और राइस मिल मालिकों और राइस एक्सपोर्टर्स को देना चाहिए। पूरी दुनिया में सरकारें जनता की जेब में पैसा डाल रही हैं, जैसा अरोड़ा साहब ने कहा, भाजपा जजपा सरकार या खट्टर सरकार पहली सरकार है जो कहती है हम पैसा देंगे नहीं। कोरोना महामारी और आर्थिक संकट के युग में भी जनता की जेब काटकर पैसा वसूलेंगे, ये कैसी सरकार? 2,000 करोड़ रुपए का जजिया कर खट्टर साहब ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाकर, 2% सब्जी और फल पर टैक्स लगाकर और 15 पैसे प्रति किलोमीटर बस का भाड़ा बढ़ाकर किया, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब क्या खट्टर साहब देंगे? प्रश्न बड़ा सीधा है। और छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह, 1 रुपया पेट्रोल, 1 रुपया 10 पैसे डीजल पर खट्टर साहब ने बढ़ाए, और उनके गुरु आदरणीय मोदी जी ने 13 रुपया लीटर पेट्रोल और 16 रुपया डीजल पर बढ़ा दिए। यानी पिछले एक हफ्ते में पेट्रोल पर 14 रुपया लीटर अतिरिक्त टैक्स केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार ने लगाया, और डीजल पर 17 रुपया केंद्र और भाजपा की सरकार ने टैक्स लगाया। और मैं एक सवाल आपसे और पूछता हूं, आज ही ये खबर आई है, हवाई जहाज के पेट्रोल की कीमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 64 रुपए से घटाकर 22 रुपया 54 पैसे प्रति लीटर कर दी है। यह बड़ा कमाल है, हिंदुस्तान में हवाई जहाज का तेल है 22 रुपया 54 पैसे प्रति लीटर, जो पेट्रोल और डीजल से भी ज्यादा साफ है।
परंतु किसान का डीजल 69.5 रुपया प्रति लीटर और स्कूटर और मोटरसाइकिल पर चलने वाले व्यक्ति का, छोटी छोटी कार चलाने वाले व्यक्ति का पेट्रोल 71.5 रुपया प्रति लीटर, ये कैसा घोर अन्याय है? ये सरकार है या जनता को लूटने की दुकान? सर जैसे कि अमेरिका हार्डिबिलिटी नीति के ऊपर चल रहा है कि खुला छोड़ दो, 70% कोरोना आएगा तब ठीक होएगा, ये रिस्क भारत भी ले रहा है कहीं ना कहीं अघोषित रूप में, अब सब कुछ खोलते जा रहे हैं, कोरोना बढ़ता जा रहा है। देखिए कोरोना की महामारी की आज तक कोई दवाई नहीं, इससे लड़ने का एक ही रास्ता है, टेस्ट ट्रेस क्वारंटीन। कल शाम तक 67,000 केस और 2,000 से ज़्यादा मौत कोरोना की महामारी से देश में हो चुकी। बुजुर्गों को, बच्चों को, बीमार व्यक्तियों को, फेफड़े की बीमारी से ग्रस्त, छाती की बीमारी से ग्रस्त, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की बीमारी से ग्रस्त लोगों को विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है और ये कोरोना महामारी उनके लिए जानलेवा हो सकती है। परंतु इसमें जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे, अब 3 महीने में अगर आप केवल 130 करोड़ के देश में 16 लाख लोगों का टेस्ट करेंगे तो फिर कोरोना से जंग कैसे जीतेंगे? हमने बार बार ये कहा, ये लैंसेट इंस्टीट्यूट जो सबसे प्रभावी इंस्टीट्यूट इस लड़ाई में अग्रणी है, उसने भी कहा कि जब तक आप टेस्टिंग फैसिलिटीज को 10 लाख प्रतिदिन पर नहीं ले जाएंगे, आप कोरोना की महामारी से जंग नहीं जीत पाएंगे। आप ये मान लें कि 5 करोड़ भारतीयों का कोरोना टेस्ट होना ही है, जिनको लक्षण है, जिनको संक्रमण है या जो संक्रमण वाले व्यक्ति के निकट आए, तभी कोरोना की महामारी से जंग जीती जाएगी। हरियाणा में खुलेआम शराब माफिया का नंगा नाच हुआ, ये पूरे हरियाणा ने देखा। क्या लॉकडाउन के समय जब एक एक व्यक्ति अपने घर के अंदर बंद है, सारे बॉर्डर सील हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, सरकार में बैठे लोगों के संरक्षण के बगैर शराब घोटाला हो सकता है? जवाब नहीं। दूसरा, सोनीपत का शराब घोटाला और अब यमुनानगर का शराब घोटाला उसके बाद सामने आया है, ये दो शराब घोटाले चर्चा में, ये सरकार कैसी है? आबकारी यानी शराब के मंत्री हैं श्री दुष्यंत चौटाला, उन्होंने बयान दिया कि एसआईटी गठन के बारे उन्होंने गृह मंत्री श्री अनिल विज से दरखास्त की। श्री अनिल विज ने यह बयान दिया कि आबकारी मंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने इस बारे उनसे कोई बात ही नहीं की। श्री अनिल विज ने अशोक खेमका के नेतृत्व में एसआईटी बनाने की फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी, पर एडीजीपी रोहतक ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री को दरकिनार कर एसपी रोहतक की अध्यक्षता में एसआईटी बना दी और अब मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, एडीजीपी को दरकिनार कर एक और अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी बना दी। पिछली वाली एसआईटी ने आरोपी के घर में रात के 2 बजे छापा मारा, परंतु सरकार में बैठे किसी व्यक्ति ने आरोपी को सूचित कर दिया और वो फरार हो गया। कैसे? पिछली वाली एसआईटी के प्रमुख एसपी ने 3
बड़ी बातें की जिससे सरकार दहल गई। पहला उन्होंने कहा कि फरार आरोपी का सचिवालय में राजनीतिक लोगों और बड़े अधिकारियों तक आना जाना था। दूसरा, किसी ने आरोपी को पुलिस रेड की एसआईटी रेड की सूचना दे दी थी। और तीसरा, जो शराब के तस्कर थे उन्हीं के घर में पकड़ी हुई शराब का गोदाम पुलिस ने और एक्साइज विभाग ने बनाया था। जैसे ही पिछली एसआईटी ने ये तीन तथ्य दिए, खट्टर साहब ने आनंद पानंद में वो एसआईटी ही डिसबैंड कर दी। मुख्यमंत्री शराब के तस्करों को बचा रहे हैं या निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, ये हमारा सवाल है, क्योंकि सरकार की दुर्भावना पर प्रश्न खड़े होने लगे हैं कि सरकार को कानून चला रहा है, संविधान चला रहा है या शराब के तस्कर, ये सवाल है। इसमें अरोड़ा साहब को जोड़ना चाहिए, इसमें ये है कि ये जो एसआईटी गठित कर रहे हैं ये केवल और केवल सोनीपत तक सीमित करना था। जैसा कि बताया कि पूरे लॉकडाउन में जो तस्करी हुई, हमारी मांग ये है इसमें कि जिस दिन लॉकडाउन हुआ शराब के ठेके पे कितना स्टॉक था और जिस दिन लॉकडाउन खुला उस दिन कितना था, इसकी जांच भी एसआईटी पूरे हरियाणा पे करे। इनसे जुड़े लोगों ने किस प्रकार तस्करी करी है, सत्ता से जुड़े लोगों ने लोगों के घर में दारू भिजवाई है, जैसे पहले हुआ करता था होम डिलीवरी किए। एक बात और जोड़ना चाहूँगा, अगर खट्टर साहब में साहस है तो केवल दो बातों की जांच करवा दें, करनी पड़ेगी, यानी किस ठेकेदार के पास कितनी शराब है और कितनी उसने बेच दी, ये रिकॉर्ड सरकार की किताब में दर्ज हो जाएगा। खट्टर साहब हरियाणा को बता दीजिए, अब 11 मई हो गई, क्या आपने हरियाणा के शराब ठेकेदारों का 31 मार्च को ठेके खत्म हो जाने पर शराब का रिकॉर्ड की स्टॉक टेकिंग की थी? यदि नहीं की तो आप दोषी हैं, की थी तो वो रिकॉर्ड बता दीजिए। और दूसरा, जैसा आदरणीय अशोक अरोड़ा जी ने कहा, जिस दिन लॉकडाउन हुआ 25 मार्च को, क्योंकि हर रोज स्टॉक टेकिंग होती है, उस दिन कितनी शराब थी और जिस दिन लॉकडाउन खुला उस दिन कितनी शराब थी, अगर खट्टर साहब में हिम्मत है तो ये दो आंकड़े जनता के सामने रख दें, किसी एसआईटी जांच की जरूरत नहीं, शराब की तस्करी का घोटाला यही खुल जाए। इसमें ये आप कह सकते हैं वाले खट्टर साहब, ये आपकी समझदारी है, आपकी कारगुजारी। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।